उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बेहद गर्मा रही है। हुआ यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को मंगलवार की सुबह पुलिस द्वारा लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोक दिया गया। अखिलेश प्राइवेट प्लेन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आयोजित एक छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे भाग लेने के लिए, और इसके बाद उनका कार्यक्रम कुंभ में जाने का भी था, लेकिन अखिलेश को यहां पर रोक दिया गया। कुल मिलाकर यह पूरा मामला तूल पकड़ गया और इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ की गई और अखिलेश को 45 मिनट तक अमोसी एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि देश में रुकावट के लिए खेद है, जैसी स्थिति बन गई है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं दिया जा रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के अंदर जबरदस्त विवाद हुआ और जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था वहां पर भी 3 बम फेंके गए और जहां पर मंच था वहां पर विस्फोट भी हुए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.